नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। एक ऐसे भी समाज सेवी हैं जो निशुल्क स्लम एरियाज में जाकर बच्चों को देते हैं शिक्षा। आइए सुने उन्होंने क्या बताया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनमोहन सिंह, जो कि हम लोग स्लम एरिया में ठाकुर दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से करीब 350 बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा देते हैं। सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाना, इस तरह के कार्य, ताकि उनको अपने पैरों पर खड़ा होना। और मैं पैराशूट फैक्ट्री में कार्य करता हूं, उसके बाद ये सेवा कार्य करते हैं हम लोग। जैसे कि अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, तो बड़ी स्थिति भावे है, तो उसमें आप ये जो अपनी जो शिक्षा यहाँ पे देते हैं स्लम एरियाज में, तो क्या आपको दिक्कतें आ रही होंगी? दिक्कतें तो इस समय पूरे विश्व में है, और इन बच्चों को भी मैं और तमाम देशवासियों को, कानपुर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकारी आदेशों का पालन करें, उचित दूरी बनाए रखें। भगवान चाहेगा जल्दी ही इस महामारी से सबको छुटकारा मिल जाएगा। पहले बहुत केस आते रहे, इस समय काफ़ी कम हो गए हैं। उसके कारण भी यही है कि आप अपनी दूरी बनाए रखें, घर से ना निकले, जैसा कि सरकारी आदेश भी है। जो बच्चे हैं आपके यहाँ, जब आप वो सीख जाते हैं तो उनको कहीं जॉब मिलती है, या किस तरीके से उनके साथ आप लग के मेहनत करके और कार्य करवाते हैं उनको? ये अभी 4 दिन बाद हम लोग खुद जिनको सिलाई सिखाई है उनके लिए घर बैठे ही करीब 25-30 सिलाई मशीन लगा के उनको मास्क बनवाने का कार्य हम शुरू फिर से नए तरह से फिर शुरू कर रहे हैं। अभी भी हम लोग पीछे बांटा भी है और आगे फिर उनको घर बैठे ही कार्य देने के लिए, ताकि इस समय कोरोना पीरियड में वो अपना घर बाहर। यूट्यूब पर अभी हमारे चैनल बीपीए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।